चाहिए। यह भी महंत अवैधनाथ जी ने मार्गदर्शन किया और 86 के कुंभ में उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कल्पवास का संकल्प लेकर कुंभ के अंदर रहा था। मित्रों, मेरे पर व्यक्तिगत रूप से भी महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा ऋण और भार है। मैं आज महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में मेरे उनके श्री चरणों में प्रणाम कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के कारवां पर हमला कर कायरतापूर्ण तरीके से हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मृत मौत के घाट उतारा। पूरे देश के अंदर एक प्रकार का रोष है, गुस्सा है, ये जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना है। मगर मैं आपको कहने आया हूं मित्रों कि आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपना कर रही है। आप चिंता मत करना, इस जवानों का जो खून कश्मीर की धरती पर बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 5 साल के अंदर आतंकवाद का जड़बा तोड़ जवाब देने का अगर किसी ने आजादी के बाद पहली बार प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चाहे वो जवाब कूटनीतिक क्षेत्र में देना हो, चाहे गोली का जवाब गोले से देना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर देना हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी मामले में तनिक भर भी विचार नहीं किया है। मित्रों, आज पूरा देश ये 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं इनके परिवारों के साथ खड़ा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भी वो परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। और मित्रों, आज किसान संघ के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाएं कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। मित्रों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सालों से हम सुनते आए हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, मगर कभी भी किसानों की चिंता करने वाली सरकार आई नहीं। और एक दृष्टि से देखें तो देश का विकास और देश की कृषि का विकास दोनों को अलग करना असंभव है। हमारे देश की पहचान ही कृषि, हमारे देश की पहचान ही किसान है। देश की 60% आबादी कृषि के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करती है। देश का जो जीडीपी है उसका 15% कृषि का क्षेत्र से आता है, किसान के पसीने से आता है। 17 ट्रिलियन रुपयों का कारोबार एक कृषि सेक्टर से होता है और 38 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी कृषि के क्षेत्र से होता है, जो देश के रुपये को स्थिर रखने का काम करता है। 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर आज खेती होती है और दूध और अनाज के उत्पादन से आज हम ऐसे आत्मनिर्भर बने हैं कि ये जगत का ताक किसान पूरे भारतवर्ष की जनता का पेट भरने के लिए सक्षम है। एक दाना भी बाहर से नहीं लाना पड़ता है, ये भारत की आज स्थिति बनकर रही। मित्रों, हमने सम्यक कृषि विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नीति अपनाई है, दाम का स्वावलंबन, जल का स्वावलंबन, टेक्नोलॉजी का स्वावलंबन, मुद्रा का स्वावलंबन और आर्थिक स्वावलंबन, ये 5 सूत्रों के आधार पर हमने कृषि कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं बड़े बचपन से
सरकारों की विकास योजनाओं का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, 70 साल तक जितनी भी सरकारें आई वो सरकारों ने किसानों के लिए एक वोट बैंक समझकर टुकड़ा 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 काम करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये शब्द बोलने का भी किसी में साहस नहीं है। राहुल बाबा अभी मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे कि कृषि की आय दोगुना करना कोई मजाक नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम भी समझते हैं मजाक नहीं है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। 2022 में हम कृषि की आय को दोगुना कर रहे हैं और आप हमें कृषि में सलाह दोगे? राहुल बाबा हमें सलाह देंगे? जिनको मालूम नहीं है आलू भूमि के नीचे होता है, ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है, वो हमें सलाह देंगे? मैं आज राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, हाथ में कागज रखे बगैर 4 रवि की फसलों का नाम दे दो, 4 खरीफ की फसलों का नाम दे दो, हम आपको कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। और कृषि के बारे में आप ज्ञान बांटते हो? कांग्रेस पार्टी जो 55 साल तक शासन करी, 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा, 4 पीढ़ी का शासन रहा, क्या हालत कर दी मेरे किसानों की? किसानों की जोत घर के आंगन जितनी कर दी आपने, किसानों को ऋण के बोझ के तले दबा दिया, किसानों को इनपुट क्रेडिट्स के लिए साहूकारों के सामने भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देश भर में किसान अगर बदहाल था तो उसका एक सबसे बड़ा योगदान किसी एक पार्टी की सरकार का रहा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार। मित्रों, 2014 में देश की जनता ने क्रांतिकारी निर्णय किया। 30 साल बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली। और जिस क्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली, उसी क्षण इस देश के किसानों के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मैंने जैसे कहा, किसान का वोट चाहिए इसलिए नारे लगाइए, किसान का वोट चाहिए इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में कुछ दे दो, हमने किसान को कभी भिक्षुक नहीं समझा है। किसान सम्मान के साथ पसीना बहाने वाला, देश के विकास में कंधे से कंधा लगाने वाला किसान है। इसीलिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारे के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ती है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जन्म जनसंघ के रूप में था। भाजपा बनी उसके पहले हम जनसंघ के नाम से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते थे। तभी से हमारा नारा था, मुक्त व्यापार मुक्त खेती, यही समृद्धि का रास्ता है। उस वक्त भी हम कहते थे, मुक्त व्यापार और मुक्त खेती को लेके जाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। उस वक्त भी हमने व्यापार के साथ खेती को देश की समृद्धि का जरिया माना था और नरेंद्र मोदी जी ने इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, किसानों के समस्याएं कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में, कई क्षेत्रों में बटी हुई थी। कोई एक योजना किसानों का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक कर सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लाने की शुरुआत की। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपदा के समय जो किसान के सर पर भगवान और नीचे धरती माता होता था, बीच में सरकार नाम का कोई प्राणी ही नहीं होता था, और जो सहायता देते थे
ऊंट के मुंह में जीरा जैसी सहायता देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने सहायता के हेक्टर भी बढ़ाए, सहायता की राशि भी बढ़ाई और सहायता की पात्रता भी बढ़ाई। 50% नुकसान हो तब तक सहायता नहीं मिलती थी, हमने 33% नुकसान तक दी, 4 हेक्टर तक दी और राशि में भी 50% की वृद्धि कर 87% किसानों को ज्यादा सहायता मिले। इस प्रकार के एक वैज्ञानिक पद्धति को हमने लिया और जितने भी आपदा आई, अगर कांग्रेस की सरकारों के हिसाब से ये आपदा बांटते तो 87% किसानों को न मिलती, सिर्फ 13% किसानों को मिलती। आप कल्पना करिए कितना घोर अन्याय किसानों को साथ 55 साल तक के कांग्रेस की सरकार ने। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, योगी जी ने अभी खाद कारखाने की बात करी, कारखाना तो लगेगा, यूरिया भी बनेगा, किसान के घर तक भी पहुंचेगा, मगर पहले किसान के नाम पर सब्सिडी जो यूरिया की होती थी वो उद्योगपति काला बाजारी खा जाते थे। किसान का यूरिया बारोबार सीधा व्यापारियों के पास केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, किसान को यूरिया उपलब्ध नहीं होता था, चाहे रवि हो चाहे खरीफ, किसान पर लाठियां भांजी जाती थी, लाइन देखी जाती थी। मुझे बताओ किसान भाइयों, कांग्रेस के राज में लाइनें आपने देखी है या नहीं देखी है? जरा जोर से बोलो, देखी है या नहीं देखी है? नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा प्रयोग किया कि यूरिया को नीम कोटेड कर दिया, अब नीम कोटेड यूरिया काला बाजारी में जा ही नहीं सकता, केमिकल के उपयोग में आ ही नहीं सकता, काला बाजारी बंद हुई, आपको घर बैठे जितना यूरिया चाहिए वो यूरिया मिलने लगा और देश का उत्पादन बढ़ने लगा। एक छोटा सा प्रयोग, अरबों खरबों का भ्रष्टाचार खत्म किया, किसान की परेशानी दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो किसान के अंदर, किसानी के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान का बड़ा महत्व है। जवाहरलाल जी के समय से हमारी प्रयोगशालाओं में, हमारी लेबोरेटरीज में ये अनुसंधान होते थे, मगर लैब टू लैंड प्रयोगशाला के अनुसंधान किसान के खेत में नहीं पहुंचते थे। किसान को मालूम नहीं था कि मेरी भूमि कैसी है, ये भूमि में कौन सा पाक अच्छा होगा, कौन सी फसल अच्छी होगी, ये भूमि में कितना पानी चाहिए, ये भूमि में यूरिया चाहिए या डीएपी चाहिए, चाहिए तो कितना चाहिए, कब डालना है, कोई इंफॉर्मेशन किसान के पास नहीं थी। सॉइल हेल्थ कार्ड लाकर लैब टू लैंड के कंसेप्ट को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया और आज 11 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देकर वैज्ञानिक मार्गदर्शन देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों मैं दावा करता हूं ये हमारा जो उत्पादन बढ़ा है, ये कहते हैं कैसे दुगना आय करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा अपने आप आय दुगनी हो जाएगी। राहुल बाबा आपके पैर कभी खेत के कीचड़ से गंदे नहीं हुए हैं, कभी आपके फेफड़े में भीनी माटी की महक नहीं गई है, कभी कुल्हड़ की तवे पर बना हुआ बाजरे का रोटा खाने का सौभाग्य आपको नहीं मिला है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि लैब टू लैंड का मतलब क्या है। मित्रों उसके बाद में प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, बड़ी बड़ी योजना, 111 योजनाएं 20-20 साल से जिसका पत्थर जवाहरलाल नेहरू रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी के भाग्य में आई इसको पूरी करना। मुरारजी भाई रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी ने पूरी किया। देवगोड़ा लेकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। इंदिरा बहन रखकर गई थी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी करी। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाएं करी। इतना ही नहीं, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फवारा पद्धति और टपक सिंचाई, लगभग हमारी सरकार बनने के पहले देश में 28 लाख हेक्टर में थी। जरा जोर से बोलिए कितने हेक्टर में थी भाई? क्यों भाई, क्या हुआ है? ये व्यापारियों का सम्मेलन या किसानों का सम्मेलन है? जोर से बोलिए कितना। और नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल समाप्त होने आए हैं, मैं आपको हिसाब देने जा रहा हूं मित्रों,
पांच साल के अंदर 28 के ओझस का तस रखे 35 लाख हेक्टर नई माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कहां पर 70 साल के 28 लाख और कहां 5 साल के 35 लाख। इसको कहते हैं किसान के लिए काम करना। राहुल बाबा जरा किसान के खेत में जाकर देखें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए, आज भी ये दिग्विजय सिंह एंड कंपनी, राहुल बाबा एंड कंपनी, सपा बसपा सब मजाक उड़ाती। मित्रों मैंने अभ्यास किया है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूं, एग्रीकल्चर फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इतनी वैज्ञानिक और संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कोई देश का प्रधानमंत्री लेकर नहीं आया था। इसीलिए विगत 35 सालों में जितना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भुगतान हुआ है उससे 2.5 गुना भुगतान हमारे 4 साल के अंदर होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के। और अभी भी हमारा मन खुला है, इसमें जो सुधार करने की जरूरत है मोदी जी संवेदनशीलता के साथ सुनने वाले प्रधानमंत्री, जो इसमें भी अभी कमियां रह गई है मैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहता हूं सारे किसानों का संपर्क कर जो कमियां आए ये हमारे वीरेंद्र मस्त को दे दो, वीरेंद्र मस्त जो पीछे पड़ जाते हैं वो करा कर छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सुधारने के लिए तैयार है और सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम किया है। मित्रों मेरी किसान मोर्चा के भाइयों बहनों से बहुत बड़ी फरियाद है, इस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 8 साल तक रिपोर्ट को खोले नहीं, 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना समर्थन दिया, खरीफ में भी दिया रबी में भी दिया, तो 24 पाकों की 24 फसलों की दी। मगर ये कांग्रेस पार्टी इसमें मूर्ख से निकलती, वो कहती है कि मक्का नहीं खरीदा, रागी नहीं खरीदी, फला नहीं खरीदा, ढीका नहीं खरीदा। मित्रों और आप लोग सुन लेते हो, सुन तो है ना, इसका जवाब देना चाहिए। भैया हमने तो कम से कम दाम तय किए, आप में तो ये भी हिम्मत नहीं थी कि दाम तय करना। इस देश में 52% से ज्यादा उत्पादन गेहूं और चावल का होता है और गेहूं और धान 100% 1.5 गुने दाम से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 50% फसल हमने खरीदी, कई राज्यों ने, गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे, यूपी जैसे राज्यों ने और फसलों के अंदर भी शुरुआत की है। मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है फसल ऐसे नहीं खरीदी जा सकती है, इसके भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके कर विक्रय के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, इसके क्रय के खरीद सेंटर बनाने पड़ते हैं, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी साल घोषणा की है कुछ फसलें छूट गई और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है और आप लोग सुन रहे हो। मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूं जड़बा तोड़ जवाब दीजिए, उनको मुंह नोट लीजिए, आपने कुछ नहीं किया 8 साल तक। हमारे प्रधानमंत्री 1.5 गुना दाम लेकर आए, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को माना, गेहूं और धान की शुरुआत कर दी, कुछ दलहनों की शुरुआत कर दी, कुछ राज्यों ने कपास और बाजरे मक्का की भी शुरुआत कर दी है और जो छूट गया है 19 में मोदी जी ही बनने वाले हैं राहुल बाबा, जो छूट गया है उसको हम ही पूरा करेंगे। आप में क्षमता नहीं है ये पूरा करने की, जो छूट गया है वो भी हम ही पूरा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। ये व्यवस्था बनाने में मोदी सरकार लगी है, एक बार फिर से देश का किसान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे, आपको आपकी फसल बेचने के लिए कोई प्राइवेट व्यापारी के वहां नहीं जाना पड़ेगा। मित्रों अभी अभी शरद पवार कह रहे थे
कि बाजरा नहीं खरीदा, मक्का नहीं खरीदा। भैया शरद राव, जब आप इस देश के कृषि मंत्री थे, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आप और राहुल बाबा किसी भी चौराहे पर आंकड़े लेकर खड़े हो जाओ, हमारा वीरेंद्र मस्त आएगा आंकड़ों का जवाब देने के लिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां खरीदी के आंकड़े देख लो, एक और आपके पूरे भारत की खरीदी और दूसरी ओर हमारे योगी आदित्यनाथ की अकेली उत्तर प्रदेश की, अकेले उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जितना क्रय हुआ, इससे ज्यादा क्रय उनके समय में जो होता था पूरे भारत का, इससे ज्यादा योगी